नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा देओल एक्ट्रेस बने। धर्मेंद्र उनके बॉलीवुड ज्वाइन करने के खिलाफ थे। ये खुलासा खुद ईशा ने किया है। ईशा ने कहा कि वो एक रूढ़िवादी पंजाबी फैमिली से आती थी। वहाँ पुरुष घर की महिलाओं को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते थे। हालांकि घर की महिलाएं अपने आप में काफी पावरफुल होती थी। ईशा खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 18 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा कि पंजाबी मर्द अपनी घर की औरतों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ कायदे कानून वाली बात करते थे, उन्हें बस घर की औरतों और लड़कियों की सेफ्टी का डर रहता था। हालांकि मेरी दादी, माँ और आंटी वगैरह सभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती थी। मैं उन्हीं की देखरेख में पली बड़ी, मेरे अंदर भी खुद से कुछ करने का विचार डेवलप हुआ। यही सोचकर मैंने 18 साल की उम्र में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का फैसला लिया। ईशा ने आगे कहा, मैं अपने बच्चों के बीच में कभी कुछ इंटरफेयर नहीं करूँगी, वो जैसे चाहे अपना करियर बना सकते हैं। हालांकि मैं उनके लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रहूंगी, जैसे मेरी दादी मेरी माँ के साथ हमेशा खड़ी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।